वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ नए क्वेश्चनों को। अभी तक मैं आपको 22 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, तो कुछ इश्यूज की वजह से ये वीडियो डिजिटल बोर्ड पे नहीं शूट हो पाया है, तो ऐसे ही वीडियो आपको मिल रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो आपका डिजिटल बोर्ड पे होगा, अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं हिंदी का पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, एक आंसर की जो हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं, और जीके जीएस और मैथ रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर चुका हूँ इस आंसर की के। तो चलिए देखते हैं इस आंसर की का ओवरव्यू क्या, इस आंसर की में आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब मैंने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट एक्सप्लेन किया था, तो उसके पहले ही एक दिन 8 अगस्त 1942, उसी दिन गांधी जी ने कांग्रेस के सेशन में डू और डाई का नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, और उसी दिन इनको अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार भी कर लिया था। ओके, तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने क्या डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है तो उस संख्या का आधा होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप ये चीज़ लगा दोगे और ये पढ़ोगे नहीं, हाफ ऑफ द नंबर, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हाफ ऑफ द नंबर, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम मानते हैं वो संख्या x थी, x का 4/5 जो है वो 64 के बराबर है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 80, क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा हमारा x का मान। और यहाँ लेकिन जैसे ही आप लोग 80 निकालेंगे x का मान, आप लोग एक्साइटेड होकर 80 यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, लेकिन हमको ये नहीं करना है, यहाँ पर हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो पूछ रहा है हाफ ऑफ द नंबर, यानी 80 का आधा क्या होगा, 40, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। आपको 40 टिक करके आना है, ना कि 80 टिक करके आना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, जब भी हम क्रॉप के बारे में बात करेंगे तो क्रॉप जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है फूड क्रॉप्स, दूसरे होते हैं कैश क्रॉप्स। ओके, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स यानी खाद्य और उसके बाद नकदी। ओके, जब हम फसलों की बात करेंगे तो एक खाद्य फसल होती है, दूसरी नकदी फसल होती है। खाद्य फसल जनरली वो होती है जिनको हम लोग खाने के यूज़ में लाते हैं डेली बेसिस पे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर नहीं यूज़ करते, लेकिन जनरली ये लोग हम खाने के यूज़ में आती हैं। कैश क्रॉप्स वो होती हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होती हैं। ओके, इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होती हैं, इनका उत्पादन जो है औद्योगिक स्तर पर होता है, तो वो कैश क्रॉप्स होती हैं। तो जैसे कि गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको डेली यूज़ करते हैं। आई थिंक ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पर गेहूं का यूज़ नहीं होता होगा डेली बेसिस पे। लेकिन जो भी तंबाकू है, चाय है, शुगर केन है, ये सब ऑप्शनल होती हैं, किसी किसी को पसंद है, किसी किसी को नहीं पसंद, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म होकर इंडस्ट्रियल लेवल पर आती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और भी जान लेते हैं हम गेहूं के बारे में। गेहूं के उत्पादन में पूछेगा तो भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, वर्ल्ड में चाइना है, उसके बाद इंडिया है। ओके, गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज एंटी, बीसीजी वैक्सीन जो है किसकी प्रतिरोधी है। तो बीसीजी वैक्सीन क्षय रोग की प्रतिरोधी है, क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये माइक्रोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से होता है। तो आपको जानने की जरूरत क्या है, किस बैक्टीरिया से होता है, और जनरली आपको ये भी जानने की जरूरत है कि बैक्टीरिया से होता है। तो क्षय रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। तो हिंदी मीडियम वाले जनरली बायोलॉजी के टर्म्स जो होते हैं वो आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं पूछे, आपसे हिंदी में बहुत ही कम पूछने के चांसेस होते हैं। ओके, क्योंकि वो टर्म्स को इंग्लिश में ही पूछते हैं, तो आपको थोड़ा इंग्लिश टच करना पड़ेगा बायोलॉजी में, और इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट में आपको थोड़ा इंग्लिश के टर्म्स भी टच करने पड़ेंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, पूछा है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। तो चलिए हम लोग एक बार क्रम देखते हैं। सबसे पहली धातु है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है पृथ्वी की, उसमें पूछ रहा है, क्रस्ट में पूछ रहा है, यानी ऊपरी लेयर में पूछ रहा है, पपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम में, तो उसके बारे में पूछ रहा है, ना कि पूरे होल एटमॉस्फेयर इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, तीसरा एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम, चौथा आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयरन।
तो ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन मेटल नहीं है, सिलिकॉन को हम लोग सेमी मेटल कभी कभी किसी स्थिति में बोल सकते हैं, और पहला जो मेटल होगा वो एल्यूमिनियम होगा, दूसरा जो होगा आयरन होगा। मेटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड मोस्ट अवेडेंट मेटल पूछा है, तो उस हिसाब से यहाँ आंसर आयरन होना चाहिए था, लेकिन बेचू एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका आंसर एल्यूमिनियम माना है, तो आप लोगों को भी यही मानना है, क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम अगर लगा करके आओगे, अगर सेकेंड मोस्ट पूछेगा तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो इस आंसर के हिसाब से, ओके, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसका सही आंसर आयरन होगा, लेकिन बेचू ने एल्यूमिनियम माना है, और कैसे होगा ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि ये दोनों मेटल हैं, अगर मेटल ऊपर से पूछेगा ये दोनों मेटल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन था, आई थिंक ये आपसे करंट का क्वेश्चन है, तो करंट इसी साल का पूछा जाएगा, जल्दी हम लोग करंट की सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें पूरा करंट हम आप लोगों को कवर करा देंगे, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, पेरिस जो कि फ्रांस की एक जगह है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। जो भी धरोहर की चीज़ें होती हैं, जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने का काम करता है हमारा यूनेस्को। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, ओके, देखते हैं हम लोग कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्रोनोलॉजी रीजनिंग क्वेश्चन में पता करनी होती है। चलिए देखते हैं, ई जो है, ई का साइन 5 है, ओके, देखिए अगर आपको नया याद हो तो मैं ऐसे आपको बता दूँ, एम जो है इधर, एन इधर, ये पहला, इसको अर्धांश बोलते हैं हिंदी मीडियम में, तो ये 13 होता है एम का, एन का 14 होता है। तो अब किसी संख्या का निकालना हो तो आप यहाँ से ढूंढ करके निकाल सकते हो, और किसी संख्या का इधर निकालना है तो इधर ढूंढ के निकाल सकते हो आप, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ए से निकालोगे एस तक गिन करके, अगर जिनको याद नहीं है उनके लिए ये मेथड है, नहीं तो आपको याद है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और सबको याद भी होना चाहिए। जनरली मैं आपके लिए एक ऑप्शनल बता रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो ई का जो है, ई का 5 है, ई का क्या है 5 है, के का कितना हो जाएगा, के का है 11, के का कितना है 11, आर का कितना है, आर का है आई थिंक आर का 18, आर का कितना है 18, आई का देखते हैं हम लोग, आई का है 9, आई का क्या होता है 9, एस का क्या होता है 19 होता है। देखते हैं हम क्रोनोलॉजी ढूंढते हैं, 5 से 11 जाने के लिए 6 प्लस किया गया है, और 11 से 18 जाने के लिए 7 प्लस किया गया है, यानी एक बढ़ा करके, वैसे ही 9 से 19 जाने में 10 प्लस किया गया है, तो 19 से इधर जाने में हम लोग कितना प्लस करेंगे, 11 प्लस करेंगे, तो 19 में जब हम लोग 11 प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 30, आंसर आ जाएगा 30। तो आप बोलोगे सर अल्फ़ाबेट में तो 26 ही लेटर होते हैं, हम लोग 30 कैसे काउंट करेंगे, तो 26 के बाद कितने बचे आपके पास, 4 बचे, तो आप 4 स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी ए बी सी डी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस बाई द फर्स्ट टाइम, पहली बार चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ आपका एक पूरा पूरा टॉपिक आ जाता है। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि कोई भी, जैसे अभी यहाँ देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 आया, ओके 99 आया, ओके, तो यहाँ पे हमको इसको पूरा, इसके जितने भी प्रोविजंस थे इन सबको रिवाइज कर डालना है, जहाँ भी आपको ये दिखे तुरंत रिवाइज करना है, तो ऐसे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इंडियन काउंसिल एक्ट इसका क्या है, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी, रिफॉर्म भी हम लोग बोलते हैं, और इसमें सबसे पहले इलेक्शन का जो है, इलेक्शन का प्रिंसिपल जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था, और मुस्लिमों को जो है सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था, ओके, यानी पृथक चुनाव मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, चुनाव मंडल दिया गया था मुस्लिमों को, ओके, ये क्या होता है निर्वाचक मंडल, किसी और वीडियो में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, आपके लिए उतना ज़रूरी भी नहीं है, बस आप इतना जानिए कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक चुनाव, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, इसीलिए इसको इन्होंने एक प्रकार की सांप्रदायिकता को जन्म दिया, इसीलिए मिंटो को क्या बोला जाता है, सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है। तो ये इस एक्ट के मेन प्रोविजंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इस एक्ट से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आगे के वीडियोस में। क्वेश्चन है व्हिच सुल्तान एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा, तो ये सब जानते हैं सिकंदर लोदी, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और दिल्ली से जो है अपनी राजधानी आगरा को शिफ्ट की थी, ओके, दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी, आगरा को शिफ्ट कर दी थी। और सिकंदर लोदी एक कट्टर मुस्लिम था, ओके, ये एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, इसने एक ज्वालामुखी मंदिर थी उसको तोड़वा करके जो भी कसाई लोग होते हैं उनमें उनके पत्थरों को बांट दिया था, जो भी तौलने वोलने का होता है, तो इससे एक्सप्रेस होता है कि एक कट्टर मुस्लिम था,
तो ऐसा था। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, 1504 में इसने आगरा से आगरा की स्थापना की, आगरा शहर की स्थापना की और दिल्ली से अपनी राजधानी क्या इस्टेब्लिश कर दी, आगरा इस्टेब्लिश कर दी। तो ये सिकंदर लोदी के बारे में कुछ था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश करनी है। तो जहाँ भी आपको दिखे कि अल्फ़ाबेट तो छोटे छोटे हैं लेकिन बीच में संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे प्रोडक्ट हो सकता है, यानी कहीं भी वो गुणा हो सकता है जिसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम लोग एन का कितना हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। मैंने आपको बताया एम एन यहीं से अर्धांश शुरू होते हैं, आधा इधर चला जाता है, आधा इधर चला जाता है, एन का 14 हो जाएगा। आर का भी मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कितना होगा आर का, तो यहाँ अगर आपको नहीं पता तो आर का आप लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, आपको ए से गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से गिन सकते हैं 14 15 16 17 18। तो आर का कितना पता चल गया आपको, आर का हो जाएगा 18। ओके, एन का 14 आर का 18, तो 14 और 18 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। कितना आएगा, 252 आएगा। ऐसे ही इसकी इसका जो है अल्फ़ाबेट का जो न्यूमेरिक नंबर वो निकाल के इसका निकाल के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। ओके, वही चीज़ हमको यहाँ करनी है। तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो जी का क्या हो जाएगा, जी का नंबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट में कौन सा है, तो आप लोग स्टार्टिंग से काउंट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी जी का कितना है, 7 है। ओके, तो यहाँ आप स्टार्टिंग से काउंट कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके, तो जी का कौन सा है, 7वां नंबर आ जाएगा। तो 7वां नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे किस कौन से न्यूमेरिक नंबर का अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो हम इसके लिए 182 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। ओके, तो हमारा आ जाएगा 26, यानी 26 किसका है, 26 सबसे लास्ट नंबर जेड का है, 26 सबसे लास्ट नंबर किसका है, जेड का है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ओके, तो इसमें क्या किया गया है, इसके न्यूमेरिक नंबर, इसके अल्फ़ाबेट पोजीशन और इसके अल्फ़ाबेट पोजीशन को निकाल करके उसको मल्टीप्लाई किया गया है, वैसे यहाँ भी किया गया है, वैसे यहाँ भी वही चीज़ हम यहाँ पर भी रिपीट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जी 7 और 7 को जब हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, जेड सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड था आयु, तो ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस साल जो भी फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए हैं उनको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी भी है, बड़ा भी है, तो मैं आपको अच्छे से डिजिटल बोर्ड पे नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है उसको मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीजेस 4 इज इक्वल टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर द नंबर इज। एक धनात्मक संख्या जब 4 से, देखो ऐसे क्वेश्चंस जो ये इनको हम लिंग्विस्टिक क्वेश्चंस बोल सकते हैं, मतलब ये लैंग्वेज पे आधारित हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे, ये जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा हमको करना है। देखिए कैसे कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या मान लो x है से जब 4 घटाया जाता है, यानी हमने 4 घटा दिया, तो नेक्स्ट अब दूसरे स्टेप पे हमको आ जाना है, तो इज इक्वल टू, तो आपने उल्टे संख्या के, उल्टे मतलब 1/x हो जाएगा। ओके, उल्टा मतलब 1/x हो जाएगा कि 21 गुने के बराबर हो जाता है, कि 21 गुने के बराबर हो जाता है। ओके, कितने गुने के बराबर हो जाता है, 21 गुने के बराबर हो जाता है। तो ये ऐसा बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ऐसा कुछ समीकरण बन जाएगा। जब इस समीकरण को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको समीकरण बता दिया, अगर हो सके तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी आपको सॉल्व करा दूंगा बोर्ड पे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस है, बोर्ड पे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ 4 रेशियो, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा आपको अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुअर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, प्रथम जैन काउंसिल कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र क्या थे, स्थूलभद्र इसके चीफ थे, यानी अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अगर दूसरी, दो जैन काउंसिल्स हुई हैं, दूसरी की बात करेगा तो दूसरी वल्लभी में हुई थी, कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी। ओके, दूसरी कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी, पहली स्थूलभद्र अध्यक्ष थे पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी में हुई थी। और इसका अध्यक्ष जानना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो आप बस प्लेस जानिए, अध्यक्ष ना जाने, पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी में। ओके, पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, जो भी प्राइम मेरिडियन है ये
कहाँ से पास होती है। तो सबसे इजी क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसको, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आपने बचपन में तो ये आपने पढ़ा होगा कि लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, वहीं से प्राइम मेरिडियन जो है ये पास होती है, यानी प्रधान मध्यान रेखा इसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ भी देख लीजिए, आप हिंदी में दिया ही नहीं है उसने, इंग्लिश में भी सेम दिया है, हिंदी में भी सेम दिया है, तो आपको ज़रूरी है कि कुछ जो की वर्ड्स हैं आप हिंदी मीडियम वाले उसको आप इंग्लिश में भी जानने की कोशिश करें। ओके, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये मैं कह सकता हूँ कि कोई भी थोड़ी भी पढ़ाई करता है तो ये क्वेश्चन सही करके ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन था करंट से रिलेटेड, तो आई ये आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, 2020 तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट 2021 में जो भी हुआ, जो हमारा गणतंत्र दिवस होगा, स्वतंत्रता दिवस होगा, इस पर कौन कौन से चीफ गेस्ट होंगे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, आप वो करंट में याद रखिएगा, नहीं तो हम लोग जो सीरीज़ लाएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताया जाएगा। 41 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, इसको भी हम लोग रखते हैं पेंडिंग में, क्योंकि नेक्स्ट हम आपको डिजिटल बोर्ड पे जितने मैथ के क्वेश्चन है सॉल्व करके आपको अच्छे से सॉल्व करा देंगे, यहाँ पे अगर कराएंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द सन गेट्स इट्स एनर्जी, सूर्य जो है वो अपनी एनर्जी कैसे प्राप्त करता है, फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूज़न। इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, अगर आपको मिल जाए तो आप इन दो वर्डों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे कि आप लास्ट में क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे, लेकिन आपको देखना है न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी नाभिक संलयन से मिलती है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नाभिक संलयन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सन को एनर्जी मिलती है। ओके, तो सन के बारे में ये फैक्ट था कि उससे नाभिक संलयन से एनर्जी मिलती है। तो और भी मैं लाइव क्लासेस में सन के बारे में आपसे अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, एपी हीलियम, पेरी हीलियम, कितने देर में आता है, ओके, कितने देर में सूर्य का प्रकाश आता है, तो यहाँ मैं नहीं समझता कि उसे हमें डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, लाइव सेशन मैंने एक लिया था तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू, कर्क एंड मकर रेखाएँ गुजरती हैं, तो ये गुजरती हैं अफ्रीका से, कर्क और मकर रेखाएँ जो दोनों हैं, ये ओनली कॉन्टिनेंट है, यानी एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से दोनों रेखाएँ गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप। ओके, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे जितने भी वायरसेज हैं, सबसे पहले कोरोना वायरस को हम छोड़ दें तो अधिकतर वायरसेज अफ्रीका से ही जन्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही गर्म टाइप का है, और क्लाइमेट बहुत ही विषम टाइप का है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ऐसे क्लाइमेट्स हैं, तो ये जनरली वायरसों का घर एक हिसाब से इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं अगर पूछेगा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो ओनली वन कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिससे होकर के गुजरती हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग कभी अच्छे से पढ़ेंगे, मैप पे पढ़ेंगे कि उसके पास कौन सा है, लाल सागर, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक महासागर, उसके बाद जितनी भी अरन की खाड़ी जो भी अफ्रीका के आसपास पड़ते हैं, अफ्रीका के अंदर का, हम लोग उसके बारे में एक मैप के थ्रू अच्छे से डिजिटल बोर्ड पे अफ्रीका के बारे में हम आपसे बताएंगे आपको, जबकि आपको मैप में बताया जाएगा तो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है द गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पे बेस्ड थी, जनरली इस बार ये ट्रस्टशिप दे दिया था ऑप्शन में, इस बार दे सकता है सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, ओके, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बेस्ड थी, ओके, किस पे थी, तो सामाजिक आर्थिक जो भी है, कि मतलब हमें सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपना आर्थिक विकास करना चाहिए। अगर आपने गांधी जी के सेवन सिंस पढ़े होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो वही सारी चीज़ें थी कि गांधी जी जो थे, इनका विश्वास था कि समाज को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो इन्होंने गांधीयन इकोनॉमी जो इनका था उस पर ट्रस्टशिप थी, वो किस पे बेस्ड थी, ट्रस्टशिप पे बेस्ड थी, और इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है गांधीयन इकोनॉमी से, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन जो था ये करंट से रिलेटेड था, सो ये इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, तो इसका सही आंसर केरला था, इसने सीएफएल और फिलामेंट के बल्ब जो इनके बिक्री पे करंट टाइम में प्रतिबंध लगाया हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे। तो केरला के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट, लिटरेसी रेट कहाँ की है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, केरला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य एस्टेब्लिश फोर मोनेस्ट्रीज मत देयर आर सिचुएटेड इन, आदि शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी, वे कहाँ स्थित हैं, तो चार जो भी मठ हैं वो हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी।
कभी मौका मिला तो हम आपको मैप में दिखाएंगे, इवन नेक्स्ट ही वीडियो में मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि ये सारी लोकेशंस कहाँ हैं, बद्रीनाथ कहाँ पर है, द्वारिका कहाँ पर है, पुरी कहाँ पर है, श्रृंगेरी कहाँ पर है। तो एक ऐसा शेप बनाते हुए इन्होंने चारों मठों की स्थापना की थी पूरे भारत में। तो आई होप मैं मैप में आपको अच्छे से ये सारी जगह लोकेट करके दिखा पाऊँ। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि इन्होंने ये चार जो मठ हैं इसकी स्थापना की थी आदि शंकराचार्य ने, ओके, और इनका शेप भारत भारतीय जो भी मैप कह सकते हैं उसमें ऐसा था, ओके, यहाँ पे ऐसे द्वारिका पड़ता था, श्रृंगेरी, पुरी, ऐसे करके इन्होंने इस फॉर्म में कुछ इन चारों मठों की स्थापना की थी आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में। नेक्स्ट है निकोटीनिस फाउंटेन। निकोटीन किस में पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। और तंबाकू के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चाइना। पहला स्थान किसका है? चाइना। दूसरा स्थान किसका है? इंडिया, ओके, पहला स्थान किसका है? चाइना। और दूसरा स्थान किसका है? इंडिया का है तंबाकू के उत्पादन में। आई होप इतना आपको इम्पॉर्टेंट होगा तंबाकू के उत्पादन से, और ज़्यादा यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? तो ये बहुत दिनों से अनचेंज्ड भी है, तो केरला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन था। आप करंट में जाने से पहले एक बार जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी रैंकिंग जरूर चेक कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ चेंज होगा क्योंकि केरला बहुत दिनों से अच्छी पोजीशन बनाए हुए है इस इंडेक्स में। तो केरला इसका सही ऑप्शन था उस समय। इस समय भी आप जाएंगे तो एक बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जरूर चेक करके जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, देखिए किंग जॉर्ज पंचम ये जो हुआ था कब किया था, तो ये 1911 में भारत आए, ओके। देखिए मैं जॉर्ज पंचम के बारे में बताता हूँ आपको। फिर ये मुंबई, सबसे पहले मुंबई आए, मुंबई कुछ दिन रहे अपनी पत्नी के साथ, इनकी पत्नी का नाम आई थिंक मैरी था, ओके, जॉर्ज पंचम इनकी पत्नी का नाम मैरी था। जब विक्टोरिया की डेथ हो गई तो ये लोग आई थिंक उन्हीं के वंशज थे, तो इनको थ्रोन मिल गया। तो ये भारत आए अपनी पत्नी मैरी के साथ घूमने के लिए, कुछ 1911 में मुंबई आए। उसके बाद ये कलकत्ता गए, तब बंगाल विभाजन को इन्हीं के मतलब इनके आदेश पे तो नहीं कह सकते, बट लॉर्ड हार्डिंग के आदेश पर जब जॉर्ज पंचम गए हुए थे तब कलकत्ता जो भी बंगाल विभाजन हुआ था उसको इन्होंने रद्द किया। उसके बाद ये दिल्ली दरबार में आए। कहाँ पर आए? दिल्ली दरबार में आए 1912 में, और दिल्ली दरबार का एक भव्य आयोजन किया गया था। उसमें क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग जो है ये इसी के शासनकाल के दौरान में आए थे। लॉर्ड हार्डिंग जो है इस पे दो लोग रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल जो थे, इन दोनों लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी बम फेंकने की। तो जब भी लॉर्ड हार्डिंग हाथी पे बैठ के जा रहे थे इस दिल्ली दरबार में, तो उन्होंने उनके ऊपर बम फेंका था। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कह सकते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग की डेथ नहीं हुई थी इसमें, लेकिन जो हाथी चलाने वाला था उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके और उसके बाद जो है सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस जी जो थे इनको फांसी नहीं हुई थी, ये फ्रांस भाग गए थे, और भी जो चार लोगों को जो है डेथ सेंटेंस दिया गया था। तो ये था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जिसके मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था और दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था, और जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो ये थे 50 सबसे ये 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी आपके आई थिंक 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन 40 क्वेश्चनों में आई थिंक मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कुछ मैथ के क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, उसको हम लोग डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो कुछ इशूज़ की वजह से क्लास जो है डिजिटल बोर्ड पर नहीं आ पाई, तो ये क्लास हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं ताकि डिले ना हो जाए ज़्यादा, कि कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं स्टूडियो नहीं जा पाया, तो ये क्लास इसी पे मिल रही है आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ओके, और आप बताएंगे आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है सबसे इम्पॉर्टेंट काम लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत में इनके शासनकाल के दौरान। लॉर्ड रिपन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम भारत में क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताना है। और भी आप कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और आपको बताना है लॉर्ड कर्जन का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो भी कार्य कह सकते हैं भारत में, ओके, जैसे लॉर्ड हार्डिंग का क्या था, दिल्ली दरबार था, बंगाल विभाजन को रद्द करना था, वैसे ही आपको लॉर्ड कर्जन का बताना है, लॉर्ड रिपन का बताना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का बताना है। एटलीस्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसका अच्छे से आंसर देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।